इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहता हूं इस बात के लिए कि मराठी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा और अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता। बहुत साल अंग्रेजी बोलता रहा, अंग्रेजी में पढ़ता रहा, लिखता रहा, लेकिन अब कुछ वर्षों से संकल्प लिया अंग्रेजी में काम नहीं करूंगा। उसके पीछे कारण क्या है? एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था एम्स्टर्डम हॉलैंड में, तो वहां एक रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो मैं मेरा रिसर्च पेपर जब पढ़ रहा था तो एक डच साइंटिस्ट ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि आपके देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो मैंने कहा मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो उसने कहा आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा आप हमारे समझने की चिंता क्यों करते? तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आपसे पहले जो साइंटिस्ट आए रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, उनमें से कितने साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पेपर पढ़ा? तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझसे पहले कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा था, और उससे पहले कुछ डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डच में पढ़ा था, एक जापानी साइंटिस्ट आया था उसने जापानीज में पढ़ा था, रूस का एक साइंटिस्ट था उसने रशियन में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा ये सबके सब वैज्ञानिक अपने अपने देश की भाषा में पढ़ते रहे, तो क्या हमको ये सब समझ में नहीं आया होगा? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमने व्यवस्था की हुई है, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, आप जिस भाषा में पढ़ेंगे हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़िए। तो मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी में पढ़ नहीं सकता। तो उस वैज्ञानिक ने मुझको जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा। उसने कहा कि 1947 के पहले आपका देश गुलाम था, और अगर आपका जन्म 1947 के पहले हुआ होता और आप अंग्रेजी में पेपर पढ़ते तो मेरे समझ में आता कि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं, लेकिन अब तो आपका देश आजाद हो गया है और आपका जन्म तो आजादी के बाद का जन्म है, तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए, ये उसका कहना था। तो मुझे लगा कि बात तो वो बिल्कुल सही ही कह रहा है। और उसने एक बात और कही जो शायद सभी ने मानी है और कही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक काम करना चाहे, कोई बेसिक रिसर्च करना चाहे, कोई मौलिक शोध करना चाहे, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपनी मातृभाषा में चिंतन ना करे। तो उसने मुझे एक नहीं 1001 वैज्ञानिकों के नाम गिनाना शुरू किया कि देखिए ये जितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कभी कोई मौलिक शोध किया है तो सबने अपनी मातृभाषा में किया है। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में काम नहीं करेंगे तो आप भी मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ काम कर लिया होगा, आप उसकी नकल करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको मौलिक रूप से कोई चीज करने को लिए दे दी जाए तो शायद आपके हाथ पैर कांप जाएंगे। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक ही कहा उसने। और उसके बाद जो जापानीज हमारा कुलीग था उससे मैंने पूछा था कि आपके देश में पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी जापानीज में? हाँ बिल्कुल होती है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई? हाँ वो भी होती है जापानीज। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। मैनेजमेंट की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। तो बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा आपको कभी कष्ट नहीं होता? अंग्रेजी के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं? उन्होंने कहा थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी अच्छी किताब का आप नाम बोलिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये किताब हमारी लाइब्रेरी में जापानीज में उपलब्ध है। तो उसने जो एक दूसरी बात मुझसे कही वो ये कही कि भाषा का सवाल नहीं है, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है और अपने संकल्प का है। तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने दोस्तों ईमानदारी से आपसे कहूं हिंदी बोलना शुरू किया या सीखा, और अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी मैं जब हिंदी बोलता हूं तो उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं,
तो ये मेरी तकलीफ है क्योंकि बचपन से अंग्रेजियत में पढ़ा हुआ हूँ और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता और मराठी मुझे बोलनी नहीं आती, इसलिए आप माफ करिएगा, मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा, लेकिन आसानी के साथ मेरी बात आपको समझ में आए उसकी मैं कोशिश करूंगा। जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, ये विषय आपके और मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में जितना महत्व इस विषय का है उससे ज्यादा महत्व दूसरे देशों में इसका हो चुका है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया में जो सेंट्रल यूरोप के देश हैं, मध्य यूरोप जिसको कहते हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ हमारा एशिया का देश जापान भी है, इन सब देशों में कुछ समानताएं हैं और उनकी जो समानताएं अगर आप देखें तो एक समानता इस सब देशों में नजर आती है वो ये कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस देश हैं और काफी टेक्निकली साउंड देश हैं। सेंट्रल यूरोप के और खासकर हमारे एशिया में चीन और जापान, तो ये सारे के सारे देश इतने ज्यादा अच्छे मजबूती के देश बने हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ उनकी खासियत है और उनकी खासियत ये है कि उन सारे देशों में राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र प्रेम भयंकर भरा हुआ है लोगों में। जैसे जापान में एक नियम है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, जापान में कोई विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग में पढ़ता है, मेडिकल में पढ़ता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है या कुछ भी करता है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है, तो जापान का वो विद्यार्थी अमरीका जाने की बात करेगा अगर, या यूरोप जाने की बात करेगा, और वो कहेगा कि मुझको ज्यादा एडवांस स्टडी करनी है और ज्यादा उसमें जानकारी करनी है, तो जापान की सरकार उसके साथ एक समझौता करती है, एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट ये होता है कि वो जापान से जाएगा जरूर, दुनिया के जिस देश में वो जाना चाहता है अपने ज्यादा अध्ययन के लिए, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जाएगा, लेकिन उसके साथ शर्त ये होती है कि वहां से अध्ययन करने के बाद वापस लौटकर उसको जापान में सर्विस देनी ही पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो जापान से अमेरिका चला जाए और फिर जापान को भूल जाए और अमेरिका में नौकरी करते करते इतना मस्त हो जाए कि उसको याद भी न रहे कि उसका कोई देश भी है जापान। ऐसा ही फ्रांस में भी है। फ्रांस में जितने सरकार द्वारा चलाए गए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या वहां के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी इसी तरह का नियम लागू होता कि उनको अपनी सर्विसेज देनी ही पड़ती हैं। अमरीका में बहुत साल तक ये नियम चलता रहा था, अभी पिछले 3-4 साल से ये नियम थोड़ा सा बदला गया है और इसको ढीला किया गया, अन्यथा अमरीका में तो ये नियम वहां तक चलता रहा था कि टेक्नोलॉजी में काम करने वाला कोई विद्यार्थी अमरीका छोड़कर अगर दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसको अमरीका की आर्मी में सर्विस देनी ही पड़ेगी, और वो अमेरिकन आर्मी में अगर सर्विस नहीं करेगा तो उसको बाहर जाने की व्यवस्था अमेरिकन सरकार नहीं करने वाली। और सेंट्रल यूरोप में तो 1980 और 1985 तक ये नियम चलता रहा कि सेंट्रल यूरोप का कोई भी विद्यार्थी यूरोप छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर अध्ययन करने की कोशिश करना चाहता है या अपनी कमाई के लिए जाना चाहता है, जीविका चलाने के लिए जाना चाहता है, तो उसको अपने देश की नेशनल सर्विस देनी ही पड़ेगी। तो एक बार मैंने एक सज्जन से ऐसे ही पूछा था, एक मेरे परिचित मित्र है फ्रांस में, है सॉर्बोन में, उनका नाम है ज्यों मारियां लपें, तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में या सेंट्रल यूरोप में या ऐसे अमेरिकन ब्लॉक में और अगर कहें तो जापान और चीन में भी इस तरह के ये नियम हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों ये इस तरह के नियम बनाए गए? तो उन्होंने कहा कि राजीव आपको मालूम नहीं है कि ये जो सेंट्रल यूरोपियन देश हैं और खासकर ये जापान है, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो चुके हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन देशों में इतनी बर्बादी आई थी कि उनके पास वो दोबारा खड़े हो पाएंगे ऐसी सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस, और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे किसी देश का हुआ तो वो है जापान, और तीसरे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था जर्मनी, और चौथे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था स्पेन। तो ये सारे के सारे देश, और अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ था। तो उनका कहना था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब लड़ाई हुई थी तो इन सब देशों में इतनी बर्बादियां हुई हैं, तो ये सारे के सारे देशों ने जब अपने अपने देश को फिर से खड़ा करने का,
अपने देश को रीस्ट्रक्चर करने के जो प्लान बनाए, जो योजनाएं बनाई, तो उन सारे की सारी योजनाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके देश की बुद्धि और उनके देश का इंटेलेक्ट उनके देश के काम में आता है कि नहीं आता। और उन्होंने जो गोल्डन रूल बनाया, जो वर्षों वर्षों चलता रहा पूरे यूरोप में और सेंट्रल एशिया के भी कुछ देशों में ये गोल्डन रूल चला है काफी समय तक, मलेशिया में चला, इंडोनेशिया में चला, तो वो गोल्डन रूल यही था कि हमारे पास अगर इंटेलेक्ट सरप्लस में होगा तब हम उसको बाहर भेजने की बात सोचेंगे, जब तक हमारी अपनी जरूरत का होगा तब तक उसको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। और मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन। ये अपने स्टूडेंट लाइफ में मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे, और मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहने के साथ साथ बिल क्लिंटन जिस समय पढ़ते थे तो इनके मन में बहुत बड़ा सपना रहा कि ये फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं और वहां पर कुछ ज्यादा पढ़कर या वहां कुछ ज्यादा कमाई करें। तो इन्होंने कोशिश की तो इनको उसी शर्त का पालन करना पड़ा था। और आपको जानकारी है, शायद आपने पढ़े भी होंगे कुछ उस समय के जानकारियों वाले न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में, कि जिस समय बिल क्लिंटन की पढ़ाई चलती थी उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था और अमरीका जो है वियतनाम में मार खा रहा था। तो बिल क्लिंटन को आदेश आया था कि अगर आपको जाना है बाहर कमाई करने के लिए तो आपको पहले अपने नेशनल आर्मी को सर्व करना पड़ेगा। और बिल क्लिंटन ने इच्छा ना होते हुए भी अमेरिकन आर्मी में जॉब की, और अमेरिकन आर्मी में जॉब करने के बाद ही जब उनको लगा, उनके देश के लोगों को लगा होगा कि उनको जितनी जरूरत थी सर्विसेज की उतनी सर्विस मिली, उसके बाद ही बिल क्लिंटन को बाहर जाने का मौका मिला था। ये बिल क्लिंटन कई बार कह चुके हैं, और कई बार पिछले करीब 2 साल पहले बिल क्लिंटन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी। वहां की यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी, उनके साथ उनके प्रोफेसर्स भी शामिल थे। तो स्ट्राइक का जो इशू था वो यही था कि इलिनॉय के स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो वहां से निकलें और दूसरे देशों में जाने का उनको मौका मिले। तो बिल क्लिंटन ने उनको यही कहकर शांत कराया था कि पहले आपको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी, उसके बाद कहीं आप बाहर जाने की बात सोच सकते हैं या उसका सपना देख सकते हैं। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ये देश दिखने में जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज बहुत सॉलिड माने जाते हैं, और उनके साथ अमेरिका भी है, जापान भी है, चीन भी है। तो इन सबके इतने मजबूत होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी देशों ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे नियम बनाए ताकि उनके यहां से ब्रेन ड्रेन कम से कम हो पाए। लेकिन इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया इन लोगों ने, इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया जो शायद ही कोई कहेगा, और मैं उसको पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से कहना चाहता हूं। अमरीका ने अपने देश के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, यूरोप के देशों ने अपने ब्रेन को रोकने के लिए तमाम नियम बनाए, लेकिन उसके उल्टी तरफ दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट ब्रेन उनको मिल सके वो सस्ते दामों पर खरीद लो, उसके लिए उन्होंने दूसरे नियम भी बनाए। हमारे देश का क्रीम उनको सस्ते दाम पर मिल सके, इसी के लिए हिंदुस्तान में आईआईटीज बनाने की योजना चली थी। और मैं पूरी निर्भीकता और ईमानदारी से यह कहता हूं, ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है जो आईआईटी से निकल कर आते। ये जो आईआईटीज खड़े हुए हैं हमारे देश में 5 और 6, 6वां बनारस में, ये सब के सब आईआईटीज खड़े हुए हैं अमरीका की एक योजना थी जो भारत में लागू हुई थी, उसमें जो एड आई थी, जो मदद आई थी, उसके आधार पर ये खड़े हुए हैं। एक दिन मैंने प्रोफेसर यशपाल से ये बात कही। प्रोफेसर यशपाल इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में माने जाते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन रह चुके हैं। एक दिन मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, अगर अमरीका ने यह योजना चलाई थी इस देश में आईआईटीज बनाने की, तो उसके पीछे का रहस्य क्या था? तो उन्होंने कहा, अमरीका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर्स चाहिए। जो इंजीनियर अमेरिका तैयार करे अगर अपने देश में, और उसकी तैयारी पर जितना खर्च आए उससे 1/6 खर्च में वो इंजीनियर भारत में तैयार हो सकते हैं। जितनी पढ़ाई हम करते हैं यहां पर, बीटेक करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, और उस हमारे उसमें समय बर्बाद होते हैं, पैसा लगता है, तो अगर हम हमारे समय का कैलकुलेशन करें और उसके साथ साथ अपने नेशनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें, तो अमरीका का ये मानना है। और प्रोफेसर यशपाल ने एक दिन मुझसे कहा
कि अगर यही इंजीनियर जो तुम्हारे आईआईटी में तैयार होता है या देश के आईआईटी में तैयार होता है, ये अमेरिका की किसी आईआईटी में तैयार हो तो 6 गुना खर्च आता। तो बहुत कम खर्चे पर इस देश में इंजीनियर तैयार हो सकता है। और वो इंजीनियर, उसका माइंडसेट पहले से ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू करे अमरीका की तरफ ही और अपनी। तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल से मैंने ये कहा था, मैंने कहा यशपाल साहब एक बात और मुझको बताइए कि फिर तो इसका मतलब यह है कि मुझे डाउट होने लगा है कि जो सिलेबस मैं पढ़कर आया हूं वो सिलेबस मुझे पढ़ाया क्यों गया, मेरे देश की जरूरत के काम में आने वाला है क्या ये सिलेबस? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं। ये उनका कहना है, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन रहे जिसने सिलेबस बनाया 2 बार। तो उनका कहना है कि जो सिलेबस तुमको पढ़ाया गया है उसमें से अगर तुम कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20% देश के काम आ सकता है, 80% सिलेबस जो तुमको पढ़ाया गया है वो अमरीका को ध्यान में रख के पढ़ाया गया, यूरोप को ध्यान में रख के पढ़ाया गया। तो मैंने कहा आपने तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग मजबूरी में यहां से भागें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था जो की गई है आईआईटी में पढ़ने की, तुमको मालूम है इतने सब्सिडाइज रेट पर तुम बीटेक करके निकलते हो, वहां से एमटेक करके निकलते हो, इतनी कम फीस में तुमको वहां पढ़ाई हो जाती है, तो ये आता कहां से है सब्सिडी? मैंने कहा कहां से आता है? कि अमरीका से आता है। तो अमरीका से पैसा आ रहा है और अमरीका के हिसाब का सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि आईआईटी से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट तो शायद ही एक आध मिलेंगे जो देश में रुकते हैं, ग्रेजुएट रुकते नहीं इस देश में। और कैंपस इंटरव्यू अब जब से शुरू हो गए हैं तब से लाइन लगी हुई है, दनादन यहां से जा रहा है। एक दिन मैंने यशपाल साहब से पूछा कि आपने कुछ कैलकुलेशन किया है देश का क्या नुकसान हो रहा? तो उन्होंने कहा हां इतना तो अंदाजा लगता है मुझे अब। मैंने कहा क्या अंदाजा है आपका? तो उनका एस्टीमेट है कि हर साल हम ब्रेन ड्रेन के मार्फत 15 to 20 billion dollars लूज कर रहे हैं एवरी ईयर। तो हर साल हम 15 to 20 अरब dollars का नुकसान करते हैं जब इस देश का इंजीनियर, इस देश का डॉक्टर, इस देश का प्रोफेशनल मैनेजमेंट का या इस देश का सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का इंजीनियर देश के बाहर चला जाता है और अमेरिकन इकोनॉमी में खप जाता है। और दूसरी बात मुझे भी समझ में आई, जिन दिनों मैं यूरोप में घूमता था कुछ अमेरिकन ब्लॉक की खबरें भी अंदाजा लगना शुरू हुआ था और काफी मैगजीन्स में वहां की मंगाता रहता हूं ये जानने के लिए, हुआ ये है कि पिछले 15-20 साल में अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और उसके कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण वहां के सोशल रिएक्शंस हैं। तो अमेरिकन इंटेलेक्ट बहुत कम हुआ है पिछले 15-20 साल में। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 20 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो टॉपर्स निकले हैं वो सब नॉन अमेरिकन, या तो वो एशियंस हैं या तो वो लैटिन अमेरिकन हैं। यूरोपियंस लोग भी नहीं है वहां के टॉपर की लिस्ट में। तो एशियंस लोग वहां टॉप कर रहे हैं या लैटिन अमेरिकन टॉप कर रहे हैं? और पिछले 20 साल से चूंकि अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और पिछले 20 साल से अमरीका में जो टेक्नोलॉजी का काम करने वाले और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक मैगजीन, एक जर्नल मेरे पास आता है, त्रैमासिक है, ट्राई मंथली है, 3 महीने में एक बार आता है, उसमें एक स्टेटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल बन रहे हैं उनमें से 70% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं। सिर्फ 30% स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेते हैं और अपनी आखिरी कक्षा पास करते हैं। माने फर्स्ट ईयर में लिया तो सेकंड ईयर में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए, तो ऐसे सिर्फ 30% स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने के बाद आखिरी समय में पास आउट होकर निकलते हैं। तो उनके यहां पिछले 15-20 साल में इंटेलेक्ट में भयंकर कमी आई है और उनके जो इंटेलेक्ट की कमी है उसको वो पूरा करने के लिए अपना दरवाजा खोल के बैठे हैं कि भारतीय लोग आ जाएं, चाइनीज लोग आ जाएं, जापानीज लोग आ जाएं या यूरोप के कहीं दूसरे हिस्से से आ जाएं। यूरोप के लोग तो ज्यादा जाते नहीं वहां पे, लैटिन अमेरिका के लोग आ जाएं। और वहां ये भी माना जाता है कि ये भारतीय लोग हैं जो यहां आकर बहुत सस्ते दाम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनका इंजीनियर जितनी तनख्वाह मांगेगा उससे 1/3 तनख्वाह में यहां का आदमी काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसने डॉलर देखा नहीं कभी जीवन में।
वहां पहुंचने के बाद अगर थोड़ा सा भी डॉलर का लालच मिला तो वो चालू हो जाता है उसमें। और अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या फायदा है? तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल ही मुझको कह रहे थे कि देखो राजीव, अमेरिकन गवर्नमेंट एक साल में जो क्रीम खींचती है एशिया से, लैटिन अमेरिका के देशों से, तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो क्रीम खींचती है एशिया और लैटिन अमेरिका से, अगर यही क्रीम अमेरिका को अपने यहां प्रोड्यूस करनी पड़े तो अमेरिकन गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा? तो उनका कहना है ऑन एन एवरेज अमेरिकन गवर्नमेंट का एक साल में 150 से 200 बिलियन डॉलर का खर्च होगा, जो उनको बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो हम लोग हैं दोस्तों, पढ़ते यहां हैं, मेहनत यहां करते हैं, खाते यहां की हैं, और जो भी तकलीफ होते हैं वो यहीं हैं, और बजाते हैं फिर जाके अमरीका की, बजाते हैं यूरोप। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, कभी गर्व भी हो सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है MIT, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में 60% साइंटिस्ट एशियन है जो बेसिक रिसर्च के काम में लगे, 60%। और उसके बावजूद क्या होता है? उसके बावजूद ये होता है कि हम लोग बड़े फक्र से चले तो जाते हैं अमरीका, लेकिन वहां जाने के बाद आपको मालूम नहीं कि हमेशा आपको सेकेंड और थर्ड ग्रेड सिटीजन ही ट्रीट किया जाता है। एक मेरे परिचित हैं जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये वो व्यक्ति हैं जिनको पेटेंट मिला था अमेरिका में यहां से जाने के बाद, और इन्होंने एक नए तरह की डिबेट शुरू की अमेरिका में जाने के बाद। पहले वो यहां CSIR में काम करते थे, CSIR से चले गए वो अमेरिका, उनको प्रोजेक्ट में एक में काम करने का मौका मिला, तो वहां पहुंचकर उन्होंने एक नए तरह का काम किया था। वो कहते हैं कि वो इन्वेंट्री काम था, लेकिन अमेरिकन ब्लॉक में कहते हैं कि वो बहुत इन्वेंट्री काम तो नहीं था, थोड़ा सा डिस्कवरी टाइप का काम था, लेकिन फिर भी उनको पेटेंट मिला। और पेटेंट मिलने के बाद आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम काफी तेजी से अमेरिकन ब्लॉक में चला, और काफी हमको गर्व होता था कि वो इंडियन साइंटिस्ट हैं, और इंडियन साइंटिस्ट हैं तो उनको इतना ज्यादा सम्मान वहां मिल रहा है। लेकिन आज तक आनंद मोहन चक्रवर्ती को जिस स्टेज पर पहुंच जाना चाहिए था वहां से बार बार नीचे धकेला गया, माने उनका बॉस हमेशा अमेरिकन ही रहेगा। वो चाहे जितने इंटेलेक्ट वाले हों, चाहे उनका जितना बेसिक रिसर्च का काम हो, लेकिन अमेरिका वाला जो उनका बॉस है वो चाहे जितना डफर होगा, चाहे जितना बेवकूफ और इडियट होगा, वो आनंद मोहन चक्रवर्ती को कभी भी अपना बॉस स्वीकार करने की हैसियत नहीं आने देगा, और वही उनके साथ हुआ है। और ये आनंद मोहन चक्रवर्ती का केस अकेला केस नहीं है, यही केस डॉक्टर हरगोविंद खुराना का रहा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने मान्यता दी, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने पब्लिश भी किया, और अमेरिका की दो तीन कंपनियों ने डॉक्टर खुराना के रिसर्च पर पेटेंट भी इशू कराए, और डॉक्टर खुराना की तरफ से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उस समय $5,00,000 की जरूरत थी, वो भी जमा किए उन्होंने। लेकिन डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जब इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाने की बात आई तो कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। उनके ऊपर एक अमेरिकन डफर आदमी था जिसको शायद ही बेसिक रिसर्च का कोई अनुभव था, वो हमेशा डॉक्टर खुराना का बॉस रहा, और डॉक्टर खुराना उसके 70 BNT रहे, काम करते रहे। और ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना या आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये कोई एक दो नाम नहीं है, ऐसे ढेर सारे नाम मैं आपको दे सकता हूं जो गए जरूर यहां से अमरीका, गए जरूर यहां से यूरोप, लेकिन वहां जाने के बाद हमेशा उनको व्हाइट स्किन का जो एग्रेशन है उसको झेलना पड़ा। तमाम बुद्धिशाली होने के बावजूद, तमाम समर्थवान होने के बावजूद उनको यह होना पड़ा। और अमेरिकन ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक में कभी भी मानते नहीं वो आपको कि आप कोई फर्स्ट ग्रेड सिटीजन भी हो सकते हैं। और अब एक नए तरह की घृणा फैलने लगी है यूरोप में, खासकर फ्रांस में, जो अमेरिकन इंजीनियर्स काम करते हैं, जो अमेरिकन टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंडियन टेक्नोक्रेट्स हैं फ्रांस में काम करते हैं, और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं, हमारे यहां के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं, और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं, उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घृणा का शिकार होना पड़ रहा है। और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है, और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग कि ये इंडियंस लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, मलेशियंस लोगों ने, और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं, इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा है।
और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का। पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया न्यूजीलैंड, और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि राजीव हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली, सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए। उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया। तो एक तरफ आप वहां जाएं और वहां जाने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएं और उनके नौकर की तरह से काम करें, और वहां क्या बात कही जाती है। एक बार मैंने वहां के एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा देखो इंडियंस लोग हैं या एशियंस लोग हैं, इनकी दो क्वालिटीज हैं, एक तो कम पैसे पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हां आप कनाडा में जाइए, कनाडा में एक मुहावरा चलता है, और वो मुहावरा नहीं है सच्चाई है। कनाडा में जाइए किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कुछ बात, तो वो डॉक्टर से आप पूछिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे, तो कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो ये कनाडा में मुहावरा नहीं है, अब ये सच्चाई है। सबसे अच्छी सर्विसेज कनाडा में जो डॉक्टर्स दे पाते हैं वो इंडियंस हैं, और यही ब्रिटेन में हालत है। सबसे अच्छी सर्विसेज जो दे पाते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स हैं। और तब मुझे लगता है कि हर साल हम हमारे देश के हिसाब से अगर लगाएं तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का हम लॉस करते हैं नेशनल एक्सचेकर का। और अमेरिका को फायदा ही फायदा है कि इतनी क्रीम को तैयार करने में उसको हर साल 150 से 200 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा, वो सारा का सारा माल उसको 15 से 20 अरब डॉलर में मिल जाता। तब प्रश्न ये है कि हम किसके लिए सर्व करें और क्यों करें। और यहीं पर राष्ट्र की बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जहां की सर्विसेज हमने ली हैं और इन सर्विसेज में से पढ़कर ही हम इतने बड़े हुए हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। क्योंकि मैंने नहीं देखा मेरे जो साथी गए हैं वापस लौट के आए हों इस देश को सर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे यहां आजादी के बाद से एक भी ऐसा कानून नहीं है कि भारत सरकार इस देश के ब्रेन ड्रेन को रोक सके। एक भी कानून इस देश में ऐसा नहीं है। बीच में एक बार पंडित नेहरू ने कोशिश की, और पंडित नेहरू की कोशिश यह थी कि इस देश का ब्रेन ड्रेन रोका जाए और इस देश में ऐसा कानून बना दिया जाए जैसे उस समय अमेरिका में चलता था, यूरोप में चलता था। तो पंडित नेहरू ने जब जब वो कानून बनाने की कोशिश की, तब तब बाहर से धमकी ये आई कि अगर आपने ये कानून बनाया तो हम आईआईटीज को मदद देना बंद कर दें। तो उन आईआईटीज को मदद बंद हो जाएगी और वो चल नहीं पाएंगी, इसी लालच में इस देश में वो कानून आज तक नहीं बन पाया। और अभी तक वो बिल पंडित नेहरू के जमाने में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए, वो बिल आज तक इस देश में पारित नहीं हो पाया, और शायद हो पाएगा इसमें मुझे शक है। क्योंकि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, वो शायद मराठी में भी होगी, जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है। अगर आपके आईआईटीज के लिए पैसा आ रहा है अमेरिका से एड के नाम पर, तो आप अमेरिका की धुन बजाएंगे ही, आप अपने देश की धुन नहीं बजा सकते। तो इसमें दोस्तों नुकसान एक तो देश का आर्थिक रूप से है, और दूसरा उससे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है, कि जो बेस्ट क्रीम है मेरे देश की वो जब देश के बाहर चली जाती है तो देश हमारा फंडामेंटल रिसर्चेज में बहुत पीछे रह जाता है। कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अमेरिका में जाके किया, अगर वही हिंदुस्तान में किया होता, जो काम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अमेरिका में जाके किया, वही काम अगर हिंदुस्तान में किया होता, तो शायद इस देश में फंडामेंटल रिसर्चेज के काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली होती। और पिछले कई वर्षों से हमारे देश में बेसिक रिसर्च का काम अगर मैं कहूं तो करीब करीब ठप्प पड़ा हुआ है। और आप एक बात जान लीजिए ये कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं होगी किसी देश में तो आप एप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने के, और वही इस देश में ज्यादा हो रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद, 60,000 साइंटिस्ट हैं इस देश में इस समय। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि कोई आजू बाजू का देश हमारी टक्कर नहीं ले सकता। और दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेरे देश में, ये भी मैं आपको जानकारी दूं।
अमेरिका में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका करीब 3 से 4 गुना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे देश में। अमेरिका में जितने हाईटेक के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे देश में। अमेरिका में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे ज्यादा हमारे देश में। और यूरोप को पूरा मिला दीजिए, पूरे 12 के 12 यूरोपियन देशों को आप एक साथ मिला दीजिए, उन सब देशों में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उससे ज्यादा हमारे पास है। और स्टूडेंट्स के लेवल पे जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं तो जितने स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं टेक्निकल फील्ड में, उससे शायद 10 टाइम्स नहीं 15-20 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास है। तो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बहुत है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत है, हमारे यहां पॉलिटेक्निक्स की संख्या बहुत है, आईटीआईज की संख्या बहुत है, हमारे यहां और दूसरे छोटे मोटे सब्सिडियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सब मिला दें, नेशनल लेबोरेटरीज इस देश में 44 से ज्यादा है जो सीएसआर के कंट्रोल में है। इतना सब होने के बावजूद जो सबसे बड़ी तकलीफ है मुझको वो ये कि मेरे देश में नोबल लॉरियट नहीं, एक भी नोबल लॉरियट नहीं। और एक दिन मैंने ये मेरे मन का दर्द यशपाल जी से कहा था, मैं कई बार उनसे मिलता रहता हूं तो बातें करता हूं, मैंने कहा मुझको हमेशा यही तकलीफ है कि इतना सब होने के बावजूद मेरे देश में नोबल लॉरियट नहीं है। तो यशपाल जी ने मुझे जवाब दिया, वो समझने वाला, उन्होंने कहा राजीव नोबल लॉरियट होता कौन है पहले ये समझो, कौन व्यक्ति है जो नोबल लॉरियट हो सकता है। तो उन्होंने कहा सबसे पहली शर्त होती है किसी भी व्यक्ति के नोबल लॉरियट होने की कि वो कोई ऐसी नई चीज दे जो दुनिया में पहले कभी सोची नहीं गई। या तो वो व्यक्ति नोबल लॉरियट हो सकता, या वो व्यक्ति नोबल लॉरियट हो सकता है जो किसी स्थापित चीज को जो अब तक चली आई है बुरी तरह से खंडित कर दे, डिस्प्रूव कर दे। और यशपाल जी का यह कहना है कि किसी थ्योरम को प्रूव करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको डिस्प्रूव करना। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इस देश में कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को या एग्जिस्टिंग थ्योरम्स को या थ्योरीज को डिस्प्रूव करे, या फिर वो कोई ऐसी नई चीज दे जिसके बारे में दुनिया सोच नहीं सकती। और ये दोनों ही बातें तब होती हैं जब किसी देश में ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां मौलिक चिंतन हो सके, इनिशिएटिव जिनके अपने हाथ में हो। तो चूंकि यहां मौलिक चिंतन होता नहीं है, और मौलिक चिंतन होता नहीं है तो आप कल्पना मत करिए कि आप नोबल लॉरियट बनेंगे। और दूसरी बात वो हमेशा मुझसे कहते हैं और उनको मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि नोबल लॉरियट होना डिग्री से नहीं जुड़ा हुआ है। कभी डिग्री से कोई साइंटिस्ट का काम तय करने की कोशिश मत करना, धोखा हो जाएगा इसमें। तुम जो है अपने पूरे इंटेलेक्ट को डिग्री से नापते हो, और जो नोबल लॉरियट होते हैं वो अपने इंटेलेक्ट को डिग्रियों से नहीं नापा करते। तो तुमने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिग्री में फंसा दिया है, और जहां नोबल लॉरियट पैदा हो रहे हैं वहां का एजुकेशन सिस्टम डिग्री से बाहर है। तो चूंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह डिग्री से बाहर है और तुम्हारे देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम्हारे इंटेलेक्ट की बात कोई सोचेगा, अगर डिग्री नहीं है तुम चाहे जितना बेसिक रिसर्च करो कोई तुमको रिकॉग्निशन नहीं देने वाला, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यशपाल साहब ये प्रॉब्लम कब से है इस देश में, तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम अंग्रेजों के जमाने से है। और मैंने कहा अंग्रेजों के जमाने से ये कैसे आई, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया और उनके उस किस्से पर मैंने काफी शोध का काम भी किया। उन्होंने कहा तुमको मालूम नहीं है इस देश में अंग्रेजों ने जब एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने डिग्री के साथ इंटेलेक्ट को जोड़ना शुरू किया था। और अंग्रेजों के जमाने का ये नियम था कि अगर आप अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट से पढ़कर और डिग्री लेकर नहीं निकले हैं तो आपका रिकॉग्निशन नहीं होगा। और चूंकि उनके स्कूल से उनके इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर कोई निकलता नहीं था तो इसलिए उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता था। तो हर एक आदमी को उनके इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ता था डिग्री लेने के लिए। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यह थी कि अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने को चला जाए डिग्री लेने के लिए तो पढ़ाई ऐसी होती थी कि आप बेसिक रिसर्च नहीं कर सकते और मौलिक चिंतन नहीं कर सकते। आप उस इंस्टीट्यूट के बाहर रह के मौलिक चिंतन कर सकते हैं लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका रिकॉग्निशन नहीं है। और आप अगर बेसिक चिंतन करना चाहते हैं, मौलिक चिंतन करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजों के जमाने में डिग्री की जरूरत है, और अगर आप बाहर रह के करते हैं तो आपका रिकॉग्निशन नहीं है। और इसी चक्कर में अंग्रेजों ने पूरे देश के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। ये एक दिन यशपाल जी ने मुझको कहा।
तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूं बहुत सीरियस कह रहा हूं कि मेरे देश का टेक्नोलॉजी का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा इसका माने इस देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा था? कि हाँ बिल्कुल रहा था। तो मैंने कहा उस पर कुछ रिसर्च हुई है? उन्होंने कहा नहीं हुई है, करने की जरूरत है। तो मेरे जीवन में पहली बार मुझको आश्चर्यजनक एक सच्चाई पता चली कि कभी मेरे देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा था। तो वो क्या था उसको समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसको अगर समझना हो तो तुमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी पढ़ो जरूर लेकिन हिस्ट्री के साथ, तो समझ में आएगा। और उस दिन से मुझे लगा कि इस दिशा में कुछ काम करने की जरूरत है। समझू तो सही कि भारत का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि मेरे मन में अक्सर ये आता था। बचपन से मैंने कुछ किस्से कहानियां सुने, आपने भी किस्से कहानियां सुने कि मैरोली में एक खंभा लगा हुआ है, वो कभी जंग नहीं खाता। और आज दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसा स्टील बनाकर नहीं दे सकती जिस पर जंग ना लगे। तो मन में आता तो था कि ऐसा कुछ रहा तो होगा, नहीं तो ये ऐसा खंभा कैसे बन सकता है जो हजारों साल से खड़ा हुआ है। लेकिन उसका बेस क्या था, कैसा होता था, कैसे चलता था, ये पता कैसे चले? और उस दिन से कुछ उस दिशा में समझने की कोशिश की। तो इंडियन साइंस और इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने की दिशा में कुछ रिसर्च का काम शुरू किया। और उस रिसर्च के काम को शुरू करने के लिए दुर्भाग्य मेरा ये कि सारे के सारे रिसर्च पेपर लंदन में पड़े हुए, मेरे देश में नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की टेक्नोलॉजी क्या थी, साइंस क्या थी, उसको समझना है तो जाना पड़ेगा लंदन। तो ऐसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है इस देश में जिनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल, उनके साथ लगकर वहां से कुछ रिसर्च पेपर लेके आया। और वहां से जो रिसर्च पेपर लेके आया उन रिसर्च पेपर्स को देखना शुरू किया तो जो अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं मैं तो आश्चर्य से परेशान हूं कि ऐसा भी कभी होता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 1820 का एक पेपर है मेरे पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो पेपर क्या है, हमारे देश में एक विलियम एडम नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर है, और वो विलियम एडम नाम का अंग्रेज ऑफिसर है जिसको अंग्रेजों ने भेजा है भारत का सर्वे करने के लिए। तो वो भारत का सर्वे करने आया है और भारत का सर्वे अंग्रेज करा रहे हैं ताकि यहां के देश की टेक्नोलॉजी क्या है और इस देश का टेक्निकल मैन पावर कितना है, उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं यूरोप के लिए, उसका अंदाजा उनको करना। तो विलियम एडम आया और 1820 से उसने यहां सर्वे करना शुरू किया। तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट कुछ 1017 पन्ने की है। वो पूरी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से मिल गई और वो हम लोग निकलवा के ले आए। तो विलियम एडम उस सर्वे में क्या क्या दे रहा है आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि भारत जो है हाईली टेक्निकल एडवांस्ड कंट्री है और यूरोप भारत की टेक्नोलॉजी की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता। और उसमें वो उदाहरण क्या क्या दे रहा है, विलियम एडम की रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि इस समय 1820 में जो स्टील भारत में बन रहा है वैसा स्टील यूरोप में कहीं नहीं बनता। और वो कह रहा है कि मैं गया था कभी डेनमार्क, विलियम एडम कभी गया होगा डेनमार्क, तो कह रहा है कि मैंने देखा है कि यूरोप में सबसे अच्छा स्टील डेनमार्क में बनता है लेकिन भारत का स्टील डेनमार्क के स्टील से कई गुना अच्छा है। तो रिपोर्ट में वो एक सजेशन दे रहा है, क्या सजेशन दे रहा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाज बनाने हो, हथियार बनाने हो, स्टील का उपयोग करना हो तो सारा का सारा स्टील भारत से इंपोर्ट करिए। तो उसने ये जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में तो इस पर कई ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज को आश्चर्य हुआ कि क्या लिख रहा है ये आदमी। तो जिनको आश्चर्य हुआ है वो लोग भारत में आए हैं कि देखें कहां स्टील बन रहा है भारत में, क्या टेक्नोलॉजी है भारत में स्टील बनाने की। तो विलियम एडम सबको पकड़कर ले गया, मध्य प्रदेश में एक जगह है उसका नाम है सरगुजा। तो सरगुजा ले गया और सरगुजा में उस समय स्टील बनाने के छोटे 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 10,000 कारखाने, विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट बता रहे। और वो कह रहा है कि ये सब स्टील बनाने के कारखाने जो लोग चलाते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो स्टील बनाना जानते हैं और परंपरा से वो सब सीखते हुए आ रहे हैं। तो वहां के लोग जब गए हैं, अंग्रेजों की पार्लियामेंट का डेलीगेशन सरगुजा के लोगों के पास जब मिलने को गया है तो उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, सरगुजा के लोग अंग्रेजी जानते नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि उन लोगों को स्टील बनाते हुए। और सरगुजा में जो स्टील बनता है उस जमाने में, तो विलियम एडम की
की रिपोर्ट में उसका स्टेटिस्टिक्स है कि सरगुजा के इलाके में जो 10,000 छोटे छोटे स्टील बनाने के कारखाने हैं, कितना स्टील बन रहा है उनमें उस जमाने में 1820 में, तो अप्रोक्सीमेट 20 से 30 लाख टन। और अभी 3 महीने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक गांव तलाशा है, माउंट आबू से थोड़ा निकलकर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, उस गांव की खुदाई हुई है। तो उस गांव की खुदाई में ब्लास्ट फर्नेस निकली जिनमें कभी भट्टी है जो स्टील पकाने की रही होंगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि आज से करीब 150-200 साल पहले तक इस गांव के आसपास के इलाके में स्टील बनाने का काम होता था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही स्टेटमेंट पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 18 सेंचुरी के आसपास कोयम्बटूर के इलाके में ऐसे 150 से ज्यादा गांव थे जहां स्टील बनाने का काम होता। तो ये पूरे देश में जो स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज फैली हुई है इसके बारे में विलियम एडम का अप्रोक्सीमेट है, एक अप्रोक्सीमेशन है, अनुमान है कि शायद हिंदुस्तान में, वो लिख रहा है कि शायद हिंदुस्तान में 80 से 90 लाख टन स्टील बनता है 1820 में, और उस समय यूरोप के 12 देशों में कुल मिलाकर मुश्किल से 30 से 40 लाख टन स्टील बनता। और आज इस देश में कितना स्टील बनता, इतना हाईटेक इस देश में मौजूद है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस देश में हैं, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हमारा है, और वो लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस समय जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है हिंदुस्तान का वो करीब 100 लाख टन के आसपास। तो वो जो रिपोर्ट मिली है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि अगर ये स्टील बन रहा है तो स्टील बनाने की कोई टेक्नोलॉजी भी रही होगी, समझना चाहिए उसको क्या टेक्नोलॉजी, और अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो जरूरत इस बात की थी हमको कि हमारी उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करते और इम्प्रूव करते और आज की जरूरत के हिसाब से उसको डालते, ना कि किसी विदेश से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करके लाते। सरगुजा के इलाके में मैं भी गया उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, तो अभी भी वहां कुछ 30-40 गांव हैं जिस गांव के सरपंच और मुखिया स्टील बनाना जानते हैं। उनमें से एक मुखिया को पकड़कर मैं बीएचयू ले गया था, बीएचयू में जो आईआईटी है उसके मेटलर्जी डिपार्टमेंट में ले गया, और मैं उस मुखिया को इसलिए ले गया कि सारे प्रोफेसर से इसकी मुलाकात करानी। तो मैंने ले जाके उसको खड़ा कर दिया, और जो स्टील वो बनाता है अपने गांव की भट्टी पर वो स्टील भी मैं लेके आया साथ में। और मैं तो मेटलर्जी का स्टूडेंट नहीं रहा इसलिए मेरा कोई विशेष ज्ञान नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन थोड़ा पढ़ता रहा। तो जो मेटलर्जी के एक्सपर्ट्स हैं बीएचयू में उनको मैंने कहा कि आप जरा इसको टेस्ट करिए, ये भाई सरगुजा के गांव में स्टील बनाता है, इसको जरा टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो 3 महीने बनारस यूनिवर्सिटी में इस पर मेटलर्जी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद उनमें से एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इनका स्टील टाटा के स्टील की तुलना में बस 19 है, कोई बहुत कमजोर नहीं है। तो मैंने कहा टाटा के कारखाने में जो स्टील बनता है उसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और ये आदमी तो अपनी छोटी सी ब्लास्ट फर्नेस पर यह पका लेता है। तो उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि आप इसके साथ जरा डायलॉग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा यही सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी कि हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो ये आदमी जानता नहीं, और ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है वो हम जानते नहीं। तो मैंने कहा फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो रुक गया। तो मैंने प्रोफेसर साहब से मजाक में कहा था इसको आप अपने डिपार्टमेंट में लेक्चरर बना सकते हैं, कहने लगे क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं आपसे इसको आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट में नौकरी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा ये सब स्टूडेंट को स्टील बनाना सिखाएगा जो आप नहीं सिखा सकते। आप जो है स्टील बनाने की थ्योरी पढ़ा सकते हैं लेकिन स्टील बनाना नहीं सिखा सकते इन स्टूडेंट्स को, ये सिखा देगा बनाना। तो उन्होंने कहा राजीव बात तो तुम्हारी सही है, मैंने कहा फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चलो वाइस चांसलर से बात करते हैं। तो एक दिन गए हम लोग वाइस चांसलर से बात करते, तो वाइस चांसलर साहब ने कहा तुम्हारी सब बात ठीक है लेकिन एक ही बात मुश्किल है कि इसका मैं अपॉइंटमेंट करूं कैसे, इसके पास डिग्री नहीं है। मैंने कहा इस आदमी के पास मान लिया है कि डिग्री नहीं है लेकिन इसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए, और अगर ये आदमी मर गया तो इसके साथ ये ज्ञान भी चला जाएगा। और आपका काम नहीं है क्या ये, कि काम तो है बराबर है सब बात है लेकिन तुम बताओ कि मैं सरकार को क्या लिख के भेजूं
कि मैंने एक नया लेक्चर अपॉइंट कर लिया है, उसको तनख्वाह देनी है, तो उनको कुछ दिखाना पड़ता है। अब इसके पास डिग्री नहीं है तो दिखाऊंगा क्या, तो तनख्वाह कहां से आएगी। मैंने कहा तनख्वाह की आप मारिए गोली, हम कोशिश करके अपनी जेब से इसको तनख्वाह देंगे, आप इसको रख लीजिए यहां, मैं चाहता हूं कि ये आ गया वापस ना चला जाए सरगुजा में, कहीं ये मर गया तो मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा, सीखने को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो 10-15 दिन रहा, और 10-15 दिन रहने के बाद भाग गया वहां से रात में। और उसके पास में जब दोबारा गया उससे बात करने के लिए, तो उसने कहा कि तुम्हारे यहां मेरी बात बैठने वाली नहीं है और मैं वहां रह नहीं सकता, तुमको अगर सीखना है तो मेरे पास आ जाओ, यहां एक स्कूल खोलो, मैं तुमको सिखाता हूं स्टील कैसे बनती। अब उसकी एक दूसरी तकलीफ और है, वो आदमी उसके पास ऐसे 40 लोग हैं सरगुजा में, जिस गांव में वो रहता है आजू बाजू में उसके पास 40 लोग हैं, उन 40 लोगों का एक प्रदर्शन हम अगली साल करने जा रहे हैं बनारस में, और मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं। अगली साल हम बनारस में एक साइंस मेला करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस का, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस साइंस का एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं, उसमें उन 40 लोगों को हम लगाएंगे, उनका स्टॉल बनाएंगे, और उनके स्टॉल पे हम दिखाने वाले हैं कि वो स्टील कैसे बनाते हैं। आपको मौका मिले आप जरूर आइएगा, मेरा व्याख्यान के बाद मेरा एड्रेस ले लीजिएगा। तो उनकी जो एक दूसरी प्रॉब्लम है वो हम सब समझें सीरियसली, कि उस गांव में ऐसे 40 लोग हैं जो आज भी जानते हैं कि स्टील कैसे बनता है, उन्होंने अपने दादा परदादा पुरखों से सीखा है स्टील बनाने का काम। अब उनकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे देश में एक कानून है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, वो उनके लिए सबसे बड़ा अड़चन है। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1865 का ये कानून है। तो ये कानून जो बन गया है जब से, तब से उन लोगों का रॉ मटेरियल लेना बंद हो गया, वो जंगल से रॉ मटेरियल नहीं ले पाते। अब वहां खदाने हैं, माइंस हैं, आयरन ओर वहां बेस्ट क्वालिटी का है। दो ही जगह पर हिंदुस्तान में बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, या तो गोवा में है और या तो सरगुजा के इलाके। तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, वो लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से वो कानून लागू है तब से वो गांव के लोग जंगल की खदानों से आयरन ओर ला नहीं सकते, और अगर वो ले आए तो वो गैर कानूनी होता, और कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं तो जेल के अंदर कर देते हैं उनको। और तकलीफ दूसरी क्या है कि उसी सरगुजा के इलाके से बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर जापान की एक कंपनी निप्पन डेरनो खोद खोद के ले जाती है, 4 जहाज रोज भर के जाते, 4 जहाज आयरन ओर के, और वो जापान में स्टील बनता, वो वापस हिंदुस्तान में आके बिकता। और इस नजदीक के गांव के लोग कहते हैं हमको ये दे दो आयरन ओर, तो कहते नहीं कानून ऐसा है इससे। अब अंग्रेजों ने वो 1865 में कानून बना दिया था, उस कानून के आधार पर इस देश के आदिवासियों को जंगल की संपत्ति लेने से रोक दिया गया था, तो वो आदिवासी बेचारे संपत्ति ले नहीं पाते, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो मर रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। मेरी चिंता यह है कि वो 40 अगर जिंदा नहीं रहे तो इस देश में ज्ञान का जो आखिरी भंडार खुलने की संभावना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान किसी किताब में उपलब्ध नहीं। मैंने बहुत लाइब्रेरी तलाशे इस देश में, IITs में गया, कहां कहां नहीं गया, किसी भी लाइब्रेरी में इंडियन स्टील की हिंडस, वो इंडियन स्टील जो बनता रहा कभी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, उसकी हिस्ट्री कहीं भी नहीं है, किसी भी लाइब्रेरी में। तो होना चाहिए वो सब, लेकिन करेगा कौन, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और ये चूंकि इंटरेस्ट नहीं है हमको, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे देश में जो टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था, अब तक 50 साल में वो नहीं बन पाया। और इसके विपरीत दूसरे देशों में अगर कोई पुरानी, उनके पास कोई टेक्निकल वो है नो हाउ, उसको वो प्रिजर्व ही नहीं करते हैं बल्कि लगातार अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे देश में ये नहीं हो पाता सरकार की गलत नीतियों के कारण। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, कोयम्बटूर के इलाके में कभी आपको मौका मिले तो आप घूमिए, मैंने 30-40 गांव घूमे हैं वहां पर, डाइस बनाने वाले लोग हैं, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की डाइस बनाते हैं कि जर्मनी से एक ऑर्डर आया है, और जर्मनी का एक आदमी उस इलाके में घूम के आता है, उसने भारत सरकार को शर्त लगाई है कि कोयम्बटूर के गांव के लोग जो बनाते हैं वही हमको चाहिए। अब उनकी मुश्किल क्या है कि कोयम्बटूर के आसपास के गांव में जो डाइस बनाने वाले लोग हैं, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, वो पढ़े लिखे नहीं, वो साक्षर नहीं, उनको ए फॉर एप्पल नहीं आता, बी फॉर बॉय नहीं आता, उनको बाकी बहुत कुछ आता है। तो हम लोगों ने मान ये रखा है कि वो तो बेवकूफ है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है। तो साक्षरता वाले उनको जाके सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। एक दिन मैं पहुंचा तो साक्षरता वाले बैठे हुए थे, उनको सिखा रहे थे। मैंने कहा बेवकूफ हो तुम, इनसे सीखो, तुमको कुछ नहीं आता जो इनको आता।
और तुमने इनको ए फॉर एप्पल सिखा भी दिया, बी फॉर बॉय सिखा भी दिया, तो इनके किसी काम आने वाला नहीं है। ये तो जो ज्ञान जानते हैं, जो इनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का हमारे देश के लिए फायदा मिले, उस दृष्टि से इनसे सीखने जाओ, ना कि इनको सिखाने। अप्रोच ये होने की जरूरत है, लेकिन नहीं है। और ऐसे ही एक दो नहीं है, हम लोग पिछले कुछ सालों से लिस्ट बना रहे हैं, ऐसे कुछ 36 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी कभी थी और आज भी हो सकती है, बशर्ते उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, इनोवेट करने की। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसको करेगा कौन? हर एक को तो अमेरिका जाने की पड़ी है इस देश में, हर एक को तो यूरोप जाने की पड़ी है इस देश में, किसी को भी तो इस देश की इंडस्ट्री में और इस देश की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कभी भी राष्ट्रप्रेम सिखाता नहीं है। ये मेरे ही देश का एजुकेशन सिस्टम है जो मुझको राष्ट्रप्रेम नहीं सिखाता, और इसलिए मुझे कभी भी दर्द नहीं होता जब इस देश से भागकर मैं किसी दूसरे देश में पहुंच जाता हूं। तो नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों? नुकसान ये हो रहा है कि हम जा तो रहे हैं बाहर, 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो अभी भी जिंदा है, कहीं कहीं मरती हुई दिखाई दे रही है, उसको अपग्रेड करने के लिए जो हमको नौजवान चाहिए वो मिलते नहीं है, और वो देश का ही नुकसान है, किसी और का नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपसे ये अपील भी करने आया हूं कि आप में से कुछ नौजवानों को अगर थोड़ी भी प्रेरणा मिले तो मैं अगले साल एक R&D का बड़ा सेंटर खड़ा करने जा रहा हूं, और शायद वो सेंटर वर्धा में खड़ा होगा, गांधी जी के आश्रम के बाजू में। वो सेंटर खड़ा करने के पीछे मेरा एक ही सपना है, सिर्फ 1.1 सपना है मेरा, कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास कभी थी और आज भी कहीं है टूटी फूटी अवस्था में, उस टेक्नोलॉजी को आज की जरूरत के हिसाब से हम कैसे मॉडिफाई करें और कैसे वो एप्लीकेबल बने और कैसे फंक्शनल बने ताकि वो इस देश के काम में आए। एक तो ये काम है दोस्तों, और ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है। मैं आपको एक ही इशारे से कहना चाहता हूं कि इस देश में कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी, क्योंकि अंग्रेजों के कुछ सर्वे हैं, हमने तो कभी सर्वे भी नहीं किए हैं इस देश में, अंग्रेजों के सर्वे से अंदाजा लग रहा है कि इस देश में स्टील बनाने की इंडस्ट्री कितनी डेवलप थी। एक याद आ गया तो कह दूं, हमारे देश में एक और रिपोर्ट है उसी सर्वे में, एक छोटी सी पुस्तक है, और वो छोटी सी पुस्तक है 1790 की लिखी हुई, और 1790 के साल में एक अंग्रेज ऑफिसर आया है हमारे देश में, उसकी लड़ाई हुई है हैदर अली के साथ। हैदर अली उस समय यहां का वो है नवाब है, टीपू सुल्तान, ये इधर डेकन के इलाके का। तो हैदर अली से लड़ने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर आया, और वो अंग्रेज ऑफिसर पहले भी कई बार हैदर अली से लड़ चुका है। उस अंग्रेज ऑफिसर की लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक है 30-40 पन्ने की, तो वो तो 30-40 पन्ने की पुस्तक है, बहुत अद्भुत पुस्तक है। तो 1790 के साल की लिखी हुई पुस्तक है, वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, धूल खा रही थी, उसको मैं ले आया। उसमें वो लिख क्या रहा है ऑफिसर, वो लिख रहा है कि मैं हैदर अली से युद्ध लड़ने गया और युद्ध में हार गया, और युद्ध में जब हारा है वो तो हैदर अली ने उसकी नाक काट ली, हां मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है तलवार से, और नाक काट के उसके हाथ में पकड़ा दी और कह दिया कि अब तुम जाओ। तो उस जमाने में क्या होता होगा अंदाजा मैंने लगाया है, अंदाजे से यह लगता है कि उस जमाने में एक मुहावरा चलता था, आज भी है, कि नाक कटा के आए हैं, माने बेइज्जती करा के आए हैं। तो हैदर अली चाहता तो उसको मार देता, लेकिन वो मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है, और नाक काटकर उसके हाथ में पकड़ाई है और उसको कहा है कि अब तुम भाग जाओ और दोबारा कभी मत आना, अब की बार अगर आए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो ऑफिसर वहां से भागा, और हैदर अली की सीमा के बाहर जब वो निकला है तो एक गांव का जिक्र उसने किया है, वो गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, उस किताब में है। वो गांव की सीमा पर जब आया है तो एक नौजवान उससे मिलता है और वो पूछ रहा है कि तुम्हारी नाक से इतना खून निकल रहा है, तुम जा कहां रहे हो? तो वो समझ नहीं पाया है, टूटी फूटी भाषा में उसने कुछ बताया है, तो वो नौजवान समझा है कि इसकी नाक कटी है और हाथ में देख रहा है कि कटी हुई नाक है। तो उस नौजवान ने उसको इशारे से कहा है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी नाक जोड़ता हूं, माने ऑपरेशन करता हूं। तो वो ले गया और उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है कुछ 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने सर्जरी की है और सर्जरी करके उसकी नाक जोड़ी है, और 15 दिन वो उस नौजवान के साथ रहा है। उसके बाद वापस लौट के लंदन गया, लंदन जाके उसका एक दोस्त है जिसको वो कहता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम, सर्जरी तो हिंदुस्तान में होती है। तो लंदन के कुछ सर्जन आए हैं और वो पहुंचे हैं हैदर अली की सीमा में, और हैदर अली को उन्होंने निवेदन किया है कि हमको आपके उन गांव में जाने की इजाजत दीजिए जहां पर सर्जरी करने वाले लोग रहते हैं। तो वो लोग वहां पहुंचे हैं और वो लोग करीब 1.5-2 साल वहां रहे हैं।
सर्जरी उन्होंने सीखी है और सर्जरी सीखकर वापस लंदन गए हैं और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई है। माने 1790 में भारत में सर्जरी की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और यह भी आपको जानकारी दे दूं कि प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में सबसे पहले भारत में आई है, यूरोप में यहां से गई है, यूरोपियंस आए हैं यहां से प्लास्टिक सर्जरी सीख कर गए हैं और तब यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी बनी है और उसके आधार पर इंस्टीट्यूट चले हैं। तो वो पुस्तक में 70-80 पन्ने हैं, बड़े जर्जर अवस्था में है। मैंने उसको कंप्यूटर में फीड करके उसका प्रिंट आउट निकाला और उसकी उसको रिप्रोड्यूस करने वाला हूं मैं उस पुस्तक को, और इस देश के मेडिकल कॉलेजेस में भेजने वाला हूं कि देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है। और तब इस देश के डॉक्टरों को शर्म आएगी ये कहते हुए कि हम FRS होके आए हैं लंदन से। और वो जो पुस्तक है उस पुस्तक का जिक्र विलियम एडम की रिपोर्ट में भी है। मैं ये विलियम एडम की पूरी रिपोर्ट छापने जा रहा हूं, अगले एक महीने में इस पर पुस्तक आ रही है, आपको भी पढ़ने को मिलेगी। तो विलियम एडम की रिपोर्ट में उस सर्जरी की घटना का उसने रेफरेंस दिया है और वो रेफरेंस देते हुए विलियम एडम क्या कह रहा, विलियम एडम कह रहा है कि मैंने जब भारत का सर्वे किया है तो भारत में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कितना है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसकी जानकारी वो दे रहा है उस सर्वे में। तो कह रहा है कि पूरे दक्षिण भारत में, माने मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी माने पूरा दक्षिण भारत, करीब करीब 4-5 प्रदेश उसमें शामिल है। तो वो कह रहा है कि पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में 1.5 लाख कॉलेजेस हैं। गांव कितने मालूम है उस समय, गांव की संख्या है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 के आसपास, जो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स में पड़े हैं उनको निकालकर मैंने गांव की संख्या कैलकुलेट की है तो 1,47,000 गांव हैं और कॉलेजेस 1.5 लाख। ऑन एन एवरेज हर गांव में 1.25 कॉलेज है या 1.5 कॉलेज है, मान लीजिए एवरेज वैसे निकालना नहीं चाहिए, सबसे इडियोटिक वो है कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए हम कर लें। तो हर गांव में एक कॉलेज है और उस कॉलेज का क्लासिफिकेशन है, विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट में उन कॉलेजेस का क्लासिफिकेशन है। किस आधार का क्लासिफिकेशन है कि इनमें से ऐसे कॉलेजेस कितने हैं जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शब्द इस्तेमाल किया है विलियम एडम ने, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं इसमें। तो विलियम एडम की रिपोर्ट कह रही है कि कम से कम 22,000 से 25,000 हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। तो क्या पढ़ाते हैं उन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में, तो उसने लिस्ट बताई है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इनमें क्या क्या पढ़ाई होती है। तो वो सब नाम संस्कृत में है, अगर मैं संस्कृत बोलना शुरू करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यही नहीं जानते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं। क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो उस नंबर एक पे कह रहा है कि यहां एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती है। अब आप इस पे कल्पना करिए, एस्ट्रोफिजिक्स 1820 में हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, आज शायद ही कहीं पढ़ाई जाती है, खत्म हो गई है। दूसरा वो कह रहा है कि यहां मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो उसको वो कह रहा है वैदिक मैथमेटिक्स है। और विलियम एडम कह रहा है कि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है ये इतना अद्भुत है कि कोई भी वैदिक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जब आता है बड़े से बड़ा कैलकुलेशन दे दो सेकंड्स में हल कर देता। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो उसने उदाहरण के लिए रिपोर्ट में दिए, तो वो फॉर्मूले मैंने निकाले हैं और मेरी जो नई आजादी नाम की एक मैगजीन छपती है उसमें पिछले महीने के अंक में मैंने वो फॉर्मूले छापे हैं, आप उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करिए। 10 डिजिट्स के कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं विद इन सम सेकेंड्स। तब मुझे याद आया कि हमारे देश में दुनिया में एक बड़ा चर्चित नाम है, उनका नाम है श्रीमती शकुंतला देवी। तो कहते हैं कि वो शकुंतला देवी जी इतनी तेज कैलकुलेशन करती है कि कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में आ गया कि शकुंतला देवी क्या जानती होगी, शकुंतला देवी वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जानती है और वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले इतने जबरदस्त हैं कि कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं है, हजारों साल से वो चलते आए हैं, टाइम टेस्टेड है। फिर वो और कह रहा है क्या क्या पढ़ाते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है, फिर यहां पे फिजिक्स पढ़ाई, ये ढेर सारे 17-18 शास्त्र पढ़ाए जाते हैं और ये सब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप के किसी भी बड़े साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत बेहतरीन है, ये विलियम एडम का लिखा हुआ वाक्य। तो इसलिए अंत में 1,17-18 पन्ने की टोटल रिपोर्ट है, अंत में कंक्लूजन में क्या लिख रहा है कि अगर इंग्लैंड को यूरोप को कुछ सीखना है तो भारत से आके सीखें, यहां पर टेक्नोलॉजी है।
और उन्हीं दस्तावेजों में से मुझे पहली बार पता चला कि हमारे देश में छठवीं और सातवीं शताब्दी में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। यूरोप उस समय बर्फ के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। नेचुरल बर्फ एक होती है जो पड़ती है, वो तो वहां है जब से यूरोप बना है, लेकिन बर्फ बनाई जा सकती है वो यूरोप को मालूम नहीं था। छठवीं सातवीं शताब्दी में इस देश में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी थी। और विलियम एडम उस रिपोर्ट में जो रेफरेंस दे रहा है, हर्षवर्धन का रेफरेंस है। हर्षवर्धन इस देश में सातवीं शताब्दी में है और हर्षवर्धन की राजधानी मेरा अपना गांव रहा है इलाहाबाद, उसको उस समय प्रयाग कहा करते थे। तो प्रयाग हर्षवर्धन की राजधानी है। विलियम एडम कह रहा है कि प्रयाग में बर्फ बनाने के 250 से ज्यादा कारखाने हैं हर्षवर्धन के जमाने में। तो आइसक्रीम बनाने की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से गई है यूरोप में, उनको मालूम नहीं है कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, यहां से गया है। और ऐसी बहुत सारी, और एक और मजे की बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी टेक्नोलॉजी यूरोप में है वो सब इंडिया से गई हुई है। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको इनोवेट किया, इंप्रूव किया, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो भारत का है जो यूरोप में गया है। और यहां आने वाले उनके तमाम जो यात्री हैं, उनके जो व्यापारी हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, उनके माध्यम से वो गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी कभी इस देश में रही है तो जरूर ये देश दुनिया में बहुत बड़ा टेक्निकल देश रहा होगा। तो उसके भी आंकड़े मौजूद हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है, एक डिबेट उसमें जो चर्चा चल रही है, चर्चा ये है कि 1820 और 1835 के साल में दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का, 33%। तो वो एक्सपोर्ट अगर हमारा 33% है 1835 में, माने दुनिया में जो कुल निर्यात है उसका एक तिहाई निर्यात अकेले हम कर रहे हैं, तो इसका माने भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश ही नहीं रहा होगा, भारत एक बहुत बड़ा उद्योग प्रधान देश भी रहा होगा। और अगर भारत उद्योग प्रधान देश रहा होगा तो भारत में टेक्नोलॉजी भी रही होगी, और अगर वो टेक्नोलॉजी रही होगी तो उसके शोध करने की जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी क्या थी। हो सकता है उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी उतनी जरूरत की हो जितनी कभी 200 साल पहले हुआ करती थी। इसलिए हमको थोड़ा सा इंट्रिंसिक होने की जरूरत है। हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए, हमको अमेरिका की दुनिया दिखाई देती है, यूरोप की दुनिया दिखाई देती है, अपने देश की दुनिया भी देखनी चाहिए कि यहां क्या पड़ा हुआ है और जो पड़ा हुआ है उसमें से हम हमारे देश के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से भारत को आपकी जरूरत है। ये जो आज का टाइटल है इंडिया नीड्स यू, वो यही टाइटल है।